इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पबजी गेम पर पाबंदी हटा दी है। हाय, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू डिक्टेटर गेमिंग। अच्छा यार, इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि अगर आपकी गेम अभी तक नहीं चल रही तो क्यों नहीं चल रही। खबर आप लोगों को मिल गई होगी, मैं इस चीज़ को डिक्टेटर गेमिंग से डिक्टेटर न्यूज़ नहीं बनाना चाहता था, इसलिए मैंने ये वाली वीडियोज़ लगाना छोड़ दी थी। लेकिन अभी जो है कुछ चीज़ें क्लियर करना बाकी थी, कुछ लोगों को थैंक यू बोलना बाकी था, तो मैंने सोचा कि वीडियो बनाऊंगा और वीडियो में सब लोगों को एक ही वीडियो में सारी चीज़ें क्लियर कर दूंगा। न्यूज़ आप लोगों को मिल गई होगी, जुम्मे से पहले ही जो है पबजी का बैन जो है उसको लिफ्ट कर दिया गया। अभी तक आप लोगों की गेम नहीं चल रही होगी तो वो आपको बता दूं कि गेम आपकी जो सुनने में आया कि मंडे तक जो है वो अनबैन होगी प्रॉपर, मतलब ऑर्डर हो गया, सब कुछ क्लियर हो गया, बस जो अनबैन का प्रोसेस है ना, बैन तो इंस्टेंट हो जाती है एक सेकंड में, लेकिन अनबैन का बैन तो कर दिया है, अब इनसे अनबैन नहीं हो रही, तो ऑर्डर आ गए हैं, लेकिन अभी ये मंडे को जाके अनबैन करेंगे। उससे पहले हो सकती है, लेकिन मंडे तक जो है वो हो जाएगी। तब तक आप लोग VPN यूज़ करो, उसके बाद आपको VPN जो है वो अनइंस्टॉल कर देना, अगर बाकी चीज़ों के लिए रखना है तो वो फिर आप रख सकते हैं। और आगे चलते हैं कि इसमें सारा प्रोसेस हुआ कैसे। वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, 5 मिनट के आसपास वीडियो को क्लियर कर देंगे। 5 मिनट तक आप लोग वीडियो पूरी देख लेना, आप लोगों को पता होना चाहिए कि किस टाइम पे किन लोगों ने क्या काम किए थे। तो डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं। हुआ कुछ ऐसे था, मतलब स्टार्टिंग में, कि सबसे पहले जो बैन हुआ उसके बाद सबसे पहले एंट्री हुई थी वकार भाई की, और वकार भाई से कॉन्टैक्ट हुआ, उनसे सारी बातें बताई, उन्होंने ट्वीट्स वगैरह चलाए, उन्होंने हम लोगों को गाइड किया कि किसको टैग करना है। हम लोग तो इमरान खान लगे हुए थे, तो उन्होंने बताया कि इमरान खान का नहीं होता ये, मतलब जो भी था इस डिपार्टमेंट का काम है उस डिपार्टमेंट को छोड़ो, तो वो सारी चीज़ें उन्होंने बताई। उसके बाद हम लोग आ गए यूट्यूब की तरफ, तो यूट्यूब पे हमारा IBS शान, जलमी गेमिंग और इस तरह के काफ़ी सारे थे, मतलब ये जो दो थे इन्होंने सबसे ज़्यादा इस चीज़ पर वीडियोज़ लगाई, सबसे ज़्यादा इस चीज़ को लोगों को बताया कि एक्चुअल में हो क्या रहा है। तो अगर कोई बंदा, अगर आप सुनते हो कोई बंदा ये कहता हुआ कि व्यूज़ के लिए किया है या सब्सक्राइबर्स के लिए किया है, तो उसके मुंह पे एक चपेड़ मारना और उसके मुंह पे चपेड़ मार के बोलना कि आप भी कर लेते हैं। आसान नहीं होता, दिन में एक वीडियो, दो वीडियो, तीन वीडियो, जो भी है, इसके लिए डिटेल्स चाहिए होती हैं, और डिटेल लेने के लिए बहुत लोगों से कॉन्टैक्ट में रहना पड़ता है, अपने सारे काम धंधे छोड़ के ये सारा कुछ करना पड़ता है। ये लोग कोई गरीब नहीं है कि सिर्फ यूट्यूब के पैसों पर पल रहे हैं, मैं इनको जानता हूँ। आगे चलते हैं, इंस्टाग्रामर, टिकटॉकर जिनको आप लोग खुसरा कहते हो, उन्होंने बहुत, मतलब मैं भी टिकटॉकर ही हूँ, बहुत ज़्यादा इसमें हमारी सपोर्ट की है। अब लाख से ज़्यादा फॉलोअर्स वाले, जैसे कि स्टार एनोनिमस, उसके बाद डॉक्टर पिकाचू, एसपी जोकर के बाद आप कह लें कि लेजेंड क्लैन के लेजेंड सैम, लेजेंड अहमद ने काफ़ी सपोर्ट किया, लेजेंड रऊफ, अच्छा इन लोगों ने काफ़ी सारी पोस्ट लगाई, इन लोगों ने हमारी ट्वीट्स जो हमने करवानी थी वो प्रमोट की, हमने जो एक व्हाट्सएप पे ग्रुप बना हुआ है जहाँ पे सारे कंटेंट क्रिएटर्स हैं, तो जो चीज़ हम लोग वहाँ पे बोल रहे थे ना, किसी ने मना नहीं किया, हर बंदे ने, मतलब जो चीज़ बोली ना कि यार ये चीज़ ट्रेंड में लानी है, तो सब ने लाई है ट्रेंड में, तो इन सब का बहुत शुक्रिया यार। अगर कोई नाम मिस हो रहा हो तो I am sorry, लेकिन इन सब का बहुत शुक्रिया। अब आते हैं मेरी टीम की तरफ, जिस टीम में मैं था वहाँ पे टोटल हम लोग 6 बंदे थे, एक मैं, एक वकार भाई के बाद था हमारे साथ सोलो किंग भाई के बाद थे हमारे पास TG The Bot, अहमद गेमिंग और A4 Aladdin। तो ये जो 6 बंदे थे इस ग्रुप में, इसमें सबसे ज़्यादा सुस्त बंदा मैं ही था, बाकी सबका एक बहुत जो है अहम रोल था, मतलब कोई भी वहाँ पे ऐसा नहीं था कि जिसका कोई रीज़न ना हो, 2-3 पहले भी थे लेकिन वो किसी वजह से हमारा साथ छोड़ना पड़ा, लेकिन ये है कि जितने भी बंदे हमारी टीम में रहे हैं उन सब ने बहुत अच्छी तरह परफॉर्म किया, अपना अपना रोल, जो जो काम जिस जिसको बोला गया उसने बड़ी अच्छी तरह दिया, और सबसे बड़ा क्रेडिट तो फिर वकार भाई को जाता है, क्योंकि उन्होंने जो ट्रेंडिंग पे चीज़ें लाई हैं वो हम लोग कभी नहीं ला सकते थे, ये हम लोगों को भी पता है, उन्होंने बताया कि इसको टैग करना है और इसको नहीं करना, तो थैंक यू सो मच एवरीवन। सबसे ज़्यादा और सबसे ज़्यादा लाइक अगर किसी को शुक्रिया बोलना है ना, तो वो पब्लिक का बनता है। अभी एक बंदा है वकार जाका, अकेला भी है वो, अगर कुछ बोलता है कि ये ट्वीट करो, ये ट्रेंडिंग पे लाना है, तो वो अकेला कुछ भी नहीं कर सकता, पब्लिक ने सबसे ज़्यादा काम किया, तो थैंक यू सो मच एवरीवन, आप लोगों ने इतना सपोर्ट किया, अपने लिए किया नो डाउट, मतलब सिर्फ मेरी ज़ात के लिए नहीं किया, हम में से सिर्फ एक बंदा था वकार जाका जिसका अपना कोई लालच नहीं था, बाकी हम सब जो हैं अपने लिए कर रहे थे, कि एक दूसरे के लिए नहीं कर रहे थे, अपने लिए कर रहे थे, क्योंकि हाँ FS वालों के लिए किया था लेकिन उनकी गेम स्टार्ट हो गई थी तो फिर वो मसला नहीं था, बाकी सब बंदों ने अपने लिए किया क्योंकि हमारा अपना हक था इस चीज़ पे। तो एट द एंड थैंक यू सो मच एवरीवन। कमेंट कर दें, कमेंट्स में कुछ भी बोल दें, जिन लोगों ने जो भी काम किए, जिन जो आपके जहन में है उन लोगों के बारे में कमेंट्स में बोल दें, उनको कहीं पर दिखेगा कुछ भी नज़र आएगा तो उनको खुशी होती है, जिसको आप जानते हैं आपकी नज़र में जिसने सबसे ज़्यादा काम किया है उस बंदे का नाम जो है वो भी आप कमेंट में लिखें। इसका प्रीमियर चलाएंगे हम लोग और प्रीमियर में आप लोगों के साथ बैठ के देखूंगा, मैं आप लोगों की राय साथ साथ लेते जाऊंगा, और अगेन थैंक यू सो मच, आप सबका बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने जो है इतना साथ दिया,
हमारी कम्युनिटी के लिए, और हम लोगों ने फाइनली जो है पबजी को अनबैन करवा लिया। एक दफ़ा फिर रिपीट कर दूं, अगर आपकी गेम नहीं चल रही तो डोंट वरी, मंडे तक जो है गेम सबकी बगैर वीपीएन के चल जाएगी इंशाल्लाह। तो ऑर्डर हो गए हैं, अभी कोई मसला नहीं है। मसला है थोड़ा बहुत डर लग रहा है, लेकिन ऑर्डर हो गया तो फिर इंशाल्लाह जो है अभी मंडे तक ये वाला जो केस है, ये जो मसला है, ये सॉल्व हो जाएगा। और ये जितने गेमिंग चैनल्स हमारे न्यूज़ चैनल बने हुए हैं, ये वापस गेमिंग चैनल बन जाएंगे। तो सब लोग अपना बहुत ख्याल रखें, एंड अगेन थैंक यू सो मच एवरीवन, टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।